कस्टम फॉर्मेटिंग जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, क्योंकि आपको वीवी प्रोग्रामिंग तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कस्टम फॉर्मेटिंग होता क्या है, इसको समझ लीजिए। जैसे हमने यहां पे कुछ नंबर लिखा, लिखा सर, अब मुझे इस नंबर के साथ कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स लगाना है, मतलब आगे पीछे कुछ जोड़ना है, लेकिन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है समझाते हैं। जैसे कि एक मिनट मान लीजिए कि चेक नंबर आपको इस कॉलम में लिखना है। अगर आपने चेक नंबर लिखे तो 6 डिजिट का होता है चेक नंबर। अब कोई कोई चेक नंबर चलो 6 डिजिट के हुआ, कोई कोई चेक नंबर जो होता है वो 4 डिजिट का होता है, लेकिन आगे 2 जीरो लगा रहता है। देखिए एक्सेल में आपको जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होगा नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम टेक्स्ट में लिख देते हैं 0045585। अब टेक्स्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपको टाइप करना हो तो आप कैसा कर सकते हैं, देखिए किसी ने आपको ऑलरेडी टाइप करके भेज दिया है और नंबर फॉर्मेट में भेजा है, उसमें जीरो नहीं है। अब जितना डिजिट मिसिंग है उतना जीरो लगाना है, तो यहां पे हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग काम आता है। हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो दे देंगे, तो क्या करेगा जीरो मेंटेन कर देगा, लेकिन विजुअल, क्योंकि सिंपल सा एक मेथड समझ लीजिए कि किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग हो, किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग हो, आपकी विजिबिलिटी को चेंज नहीं करता है, आपकी जस्ट ओरिजिनलिटी को चेंज करता है। विजुअल जैसा है वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल जैसा रहेगा विजुअल चेंज होगा। मतलब कि अगर आप यहां पे लिख देते हैं 0000085, एक कॉर्नर में दिख रहा है उसको मैं हटा देता हूं। अब दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है ना सर, अरिवान जी, ए नंबर और हाँ ए एक ही है। नंबर दोनों एक ही जैसा लग रहा है। यस अगर मैं लॉजिक लगाता हूं ना, यहां पे लॉजिक लगा दिया तो अब एक जैसा नहीं रहेगा। यहां पे बता रहा है कि एक जैसा नहीं है, एक जैसा होता तो एक ट्रू दिखाता। जैसे मैंने मैनुअल 10 यहां लिखा हुआ और 10 यहां लिखा हुआ, मैं इक्वल करके इन दोनों को इक्वल करता तो यहां पे ट्रू देगा, क्योंकि दोनों 10 है। पर यहां दोनों 0000085 नहीं है। अब ये जो है ओरिजिनल में 0000085 है और ये जस्ट विजुअल है। जब इस पे डबल क्लिक करोगे जस्ट आपको 85 दिखेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहां मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये आपका 0000085 दिख रहा है, बट मैं यहां इस पे डबल क्लिक करता हूं तो ओनली फॉर 85 दिखता है। ठीक है, तो विजुअल चेंज करता है ओरिजिनल नहीं। लेकिन आपको ओरिजिनल चेंज करना है, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो मैच कर जाए, तो उस केस में कस्टम पर, आप कस्टम के ऊपर जो आपने 6 टाइम 0 दिया है, सेम आप टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और यहां इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो डाल दो, अब जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल होगा। अब यहां पे देख लीजिए, मैंने इसको इक्वल इससे किया, रिजल्ट ट्रू आ गया। तो कस्टम फॉर्मूले में जो भी कोड आप लिखेंगे उसी कोड को अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट फॉर्मूला में लिख देते हैं तो सेम चीज आपको रिटर्न करेगा, चाहे डेट हो, टेक्स्ट हो, किसी भी तरह की जो भी आगे आप पढ़ने वाले। तो और क्या क्या कर सकते हैं टेक्स्ट कस्टम फॉर्मेटिंग से। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूं, मोबाइल नंबर मैंने मान लीजिए टाइप कर दिया हूं या करने वाला, मैं चाहता हूं कि इस पे जो है +91 जो कंट्री कोड है वो ऑटोमेटिक लग जाए, +91 कंट्री कोड ऑटोमेटिक लग जाए। तो कस्टम में जाएंगे +91, कस्टम में गए हम +91 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब 10 जीरो डालना जरूरी नहीं, हमें यहाँ 1 जीरो भी डाल सकते हो, एक हैश भी डाल सकते हो, लेकिन 10 जीरो अगर आप डाल देते हैं तो क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे लोग डाल देते हैं, तो प्लस नाइन लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ेगा, जब आप यहां पे नंबर कम लिखेंगे, जैसे मैंने डबल एट लिख जीरो लिख के छोड़ दिया, तो जितना डिजिट मैंने कम लिखा वो उतना जीरो लगा दिया, समझ गए। तो यहां पे इसके लिए आपको यहां जस्ट जीरो, एक जीरो डाल दीजिए या हैश डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, हैश या जीरो। अब ये हैश और जीरो का क्या फंडा है, अब इसको एक बार समझ लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम फॉर्मेटिंग के पार्ट में। जैसे मैं यहां पे 1500 नहीं, एमआरपी 1500 लिखना चाहता हूं, बट एमआरपी 1500 लिखने से प्रॉब्लम होता है कि ये टेक्स्ट हो जाता है, किसी भी नंबर के साथ अगर करेक्टर लिखते हैं तो टेक्स्ट हो जाता है। अगर मैं इसके ऊपर किसी भी तरह का कैलकुलेशन करूं तो रिजल्ट जो है आपके सामने एरर आ रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए को दिखे ऐसा, लेकिन मैं इसे कैलकुलेशन भी कर सकूं। तो मैं यहां जस्ट 1500 लिखूंगा और इसके ऊपर जाऊंगा कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर, नंबर फॉर्मेट के अंदर कस्टम में, और इन्वर्टेड कॉमा में एम आर पी हमने दे दिया, एम आर पी, समझ गए। अब इसके आगे मुझे जीरो और हैश लगाना पड़ेगा, अगर आपने जीरो और हैश नहीं लगाया तो जस्ट एम आर पी शो होगा, आपका नंबर डेटा शो नहीं होगा, डेटा को शो करने जाने। देखिए यहां समझ लीजिए, अगर आपको कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स मतलब कि आगे पीछे नंबर का शो करना है तो इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिए, आगे शो करना है तो उसके जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके आगे आप जीरो या हैश लगा दीजिए, अगर बाद में शो करना है तो पहले लगा दीजिए जीरो या हैश। जीरो हैश लगाएंगे तभी आपको नंबर यहाँ पे डेटा आपका दिखेगा नहीं दिखेगा। अब जीरो हैश से फंगा के डिफरेंस क्या है, सिंगल जीरो या हैश देते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहीं पे मैं अगर डबल जीरो दे देता हूं यहां पे तो फर्क पड़ेगा। कब पड़ेगा, जब नंबर सिंगल डिजिट में होगा, जैसे 5 लिखा मैंने तो 05 हो जाएगा, और हैश हैश में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। हैश जो है शायद 10 बार लगा दीजिए, क्योंकि तो आप जितना डिजिट टाइप करेंगे उतना डिजिट ही शो होगा। तो अनिवान जी एंड कल्याण जी, आपको समझ में आ गया कि जीरो हैश क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं? Yes, I have understood. Yes, yes. अनिवान जी आपको समझ में आया सर? Yes, yes. हेलो, हाँ सुन रहा हूं मैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल चलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ आईडी नंबर है, मैं चाहता हूं हर 3 डिजिट के बाद डैश लगाना, तो मैंने यहां पे 3 times हैश या जीरो दे दिया, डैश डैश एंड ओके। अब यहां पे मैं नंबर देता हूं, हर 3 बार डैश लगा दिया ना, ऐसे मान लीजिए मैं अकाउंट नंबर लिखना चाहता हूं, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक्सेल में आप 11 डिजिट तक लिखते हैं तो आपका नंबर शो हो जाता है नॉर्मली, जैसे आप 11 से 12 डिजिट करते हैं वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। अभी साइंटिफिक फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपको यहां नंबर के कस्टम में कुछ नहीं करना, एक हैश या जीरो लगा देना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप 13, 14, 15 डिजिट तक आपका नॉर्मली शो हो जाए, 15 डिजिट के बाद जैसे 16 डिजिट डालोगे वो जीरो बन जाएगा, मतलब 15 डिजिट के बाद जितना भी डिजिट डालेंगे आप उस उतना जीरो बनकर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन नंबर नहीं दिखाएगा। तो इन शॉर्ट एक्सेल जो है 15 डिजिट के ही तक का नंबर अपने अंदर कैरी करता है, इसका कारण ये है कैलकुलेशन, कि आपका जो एक्सेल है 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन के लिए ही एलिजिबल है,
इससे बड़ा कैलकुलेशन वो नहीं कर पाता है। समझ गए? अगर उससे बड़ा लिखना है तो सिंगल कोट लगाइए और 32,767 डिजिट आप लिख सकते हैं, बट नॉन कैलकुलेटिव होगा, इस पर कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे 18-19 डिजिट का जो नंबर वगैरह होता है कभी कभी आप डालते हैं तो डैश कॉमा बन जाता है, ध्यान रखिएगा 15 डिजिट से ऊपर के नंबर्स हमेशा इसमें होना चाहिए, टेक्स्ट में। अरिवान जी एंड कल्याण जी, कोई डाउट इसमें? नहीं, ये वाला समझा, लेकिन ऊपर में एक बार, ऊपर सेल में एक बार क्लिक कीजिए। मैंने आपको ये समझाया कि आप अपना नंबर जो है, जो आप नंबर टाइप करेंगे वो 15 डिजिट तक का नंबर इन द नंबर फॉर्मेट, मैंने कैलकुलेशन वाला फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में रखेंगे। नहीं नहीं, उसको फॉर्मेट फॉर्मेट सेल में जाके आपने वहां पे एक्स डाला। मैंने फॉर्मेट सेल में किया, कब किया? जब आपके पास 11 डिजिट से ज्यादा होता है, जब 11 डिजिट तक होता है ना तो आपका नंबर शो होता है, 11 डिजिट के बाद जो है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, उसकी फॉर्मेटिंग साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। मैंने एक्चुअली नंबर तो रहेगा वही, पर साइंटिफिक प्लस ई प्लस करके दिखाएगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ, समझ गया। तो उसको हम हैश कर देंगे तो नंबर शो करेगा, लेकिन कितना? जस्ट 15 डिजिट तक। 16वां डिजिट जैसे ही डालेंगे वो आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना डिजिट डालेंगे वो जीरो बन जाएगा। ठीक है सर? हाँ जी। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पे एक चीज और है कि हमें क्रेडिट कार्ड हम लोग लिखते थे, क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखते थे तो हमारे पास उसकी 8 डिजिट होती थी, लेकिन हमें लिखना होता था कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 6 और यहाँ XX, XX, फिर XX, XX और फिर यहाँ पे 7, 8, 6, हमें कुछ इस तरह से चाहिए। तो बार बार मुझे एक्सेस लगाना पड़ जाता है। इसके लिए हमने क्या किया, कस्टम में गए, इनवर्टेड कॉमा, सॉरी यहाँ पे 4 बार जीरो या हैश लिख दिया, इनवर्टेड कॉमा में हमने 8x जो है सेम फॉर्मेट में स्पेस देके हमने लिख दिया। उसके बाद लास्ट में हमने 4 जीरो लगा दिया। ध्यान से देखिए सर यहाँ पे, ठीक है, हमने 4 जीरो दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम एक्स को 8 बार लिख दिए सेम फॉर्मेट में और फिर लास्ट में 4 जीरो दे दिया। अब एंटर प्रेस करते हैं। अब यहां पे हम 8 डिजिट इकट्ठा लिखेंगे, हम 8 डिजिट इकट्ठा लिखेंगे, लेकिन हमें वो सेम फॉर्मेट में आए। अनिवार्य जी समझ में आया? दोबारा समझाऊं? नहीं आया, अंडरस्टूड। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ जीरो लगाया है, ठीक है ना? अब इसमें होगा कि मान लीजिए कि डिजिट कम होगा, मैं मान लीजिए कि 1 डिजिट कम कर देता हूँ, तो ये आगे उतना डिजिट ऐड कर देगा, उतना जीरो ऐड कर देगा। अगर मैं हैश नहीं लगा, अगर हैश लगाता, जीरो नहीं लगाता, इसमें मैं हैश लगाता जीरो के जगह पे, तो क्या होता? तो कल्याण जी तब क्या होता? जीरो, वो जीरो कंसीडर नहीं करता, वो आपको जो है ऑटोमेटिकली चार पांच छह दिखता, जीरो नहीं दिखता। ठीक है? अब जैसे आप ये तो नंबरिंग में आप समझ में आ गए कि नंबर कैसे, नंबर और टेक्स्ट को कैसे हैंडल करोगे। yes. अब इसमें आगे बात करते हैं हम कॉमा सेपरेटर की। जैसे हमने यहाँ पे 10,000 लगा दिया, अब इस 10,000 में मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, तो देखिए कॉमा लग गया। लेकिन इसका भी अगर इसको कस्टम के जरिए करेंगे तो कैसे होगा?
कस्टम के जरिए करेंगे तो यहां होगा हैश कॉमा हैश हैश हैश, ठीक है, हैश कॉमा हैश हैश हैश। ठीक है, इसमें एक और चीज है कि अगर मैं तीन हैश हटा देता हूं, सिर्फ हैश और कॉमा लिखता हूं, तब क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 दिखेगा। तो अगर आपके अमाउंट इन थाउजेंड में शो करना है, इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग चार्ट्स वगैरह पे भी करते हैं, बताता हूं आपको। एक छोटा सा हम एक डेटा तैयार करते हैं, हमने एक बड़ा सा डेटा तैयार कर लिया है और इसपे मैं इंसर्ट में जाके सिर्फ हम चार्ट लगा दिया सर। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मैं इस पे जो यहां दिख रहा है ना सर, अब समझ में नहीं आ रहा है कितना है, तो हमने क्या किया, हमने इसको राइट क्लिक कर फॉर्मेट एक्सिस में नंबर में होते हैं, यहां भी नंबर होता है, यहां भी नंबर में कस्टम होता है, यहां कोड आएगा फॉर्मेट कोड, यहां पे हैश कॉमा करके यहां पे के करके इसको ऐड कर। आप थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको हम कर इसमें मिलियंस में हम कर देंगे। कैसे करेंगे, 0.00 एंड डबल कॉमा, उसके बाद हमने इसके जगह पे दे दिया एम एम बॉल मिलियन। अब बेटर है ना, 900 मिलियन 800 मिलियन दिख रहा है ना। अब यहां डबल कॉमा जो लगाया है, डबल जीरो डॉट जीरो, तो इसके जगह पे हमें डॉट लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आ गया 900 मिलियन 800 मिलियन 700 मिलियन, ये जरा समझ में आ रहा है ना सर। हाँ क्या रिमान जी, हाँ दिस इज इजी। लेकिन मैंने इससे पहले जियो जीरो क्यों लगाया, वो ऐसा इसलिए लगाया कि हम देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पॉइंट जो 700 मिलियन 900 मिलियन है आपका, ये अभी देखिए 400 होगा, तो 400 के बाद ही तो 95 भी दिख रहा है ना सर, ये तो फर्क पड़ जाता है ना सर। तो उस केस में 0.00 डालेंगे और डबल कॉमा डालेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा 9,435 मिलियन एंड 60 लैक्स, समझे, इसलिए देखाते हैं। तो एक कॉमा जो यूज करते हैं किसके लिए, कॉमा सेपरेटेड के लिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है सर। हाँ दिस इज क्लियर। इसके बाद बारी आती है एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे 45 रुपीज और 68 पैसा कर दिया है। अब इसको भी शो करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, कस्टम में मैं यहां इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी माफ कीजिए इन्वर्टेड कॉमा बाद में लिखूंगा, जीरो हैश और इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं रुपीज डॉट 00 पैसे, ठीक है, हमने 00 पैसे कर दिए। अब ओके कर, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने यहां पे जीरो और हैश क्यों डाला हुआ है, हम यहां डबल जीरो क्यों नहीं डाले, या डबल हैश क्यों नहीं डाले, या सिंगल हैश क्यों नहीं डाले, या सिंगल जीरो क्यों नहीं डाले, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर हम देते हैं। देखिए इसमें जीरो हैश डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका नंबर टू डिजिट में है। अगर मान लीजिए मैं 00 कर देता हूं एंड ओके करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे मैं यहां पे 0.85 किया तो 00 रुपीज और 85 पैसा आया, ये थोड़ा सा और लग रहा है,
मैंने यहां पे अगर डबल जीरो कर डबल हैश कर दिया, देखिए डबल हैश किया हमने, तो वहां पे क्या हुआ, रुपीज 85 पैसा। ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो हम सिंगल जीरो कर देते हैं तो सिंगल जीरो दिख रहा है, लेकिन मैं 5 रुपए 30 पैसे किया तो 5 दिख रहा है, 05 नहीं दिख रहा है। इसलिए हमने एक जीरो और एक हैश दिया। एक जीरो एक हैश देने से क्या हुआ कि अगर 2 डिजिट में होगा तो जीरो आगे लगा देगा, सिंगल डिजिट में हो आपका जो डिजिट कुछ भी नहीं होगा तो एक जीरो देगा, 2 जीरो नहीं देगा। फिर ठीक है, और डेसिमल में हमेशा आप डॉट जीरो लगाएंगे, डेसिमल में हैश कभी मत लगाइएगा, क्योंकि हैश लगाइएगा तो आपका जीरो नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे डॉट जीरो जीरो को हटा के डॉट हैश कर दूं तो क्या होगा, यहां पे 3 पैसा दिखेगा, और 3 पैसा सुनने में थोड़ा सा गलत लग रहा है ना सर। अरिमान जी समझ में आ गया आपको, कल्याण जी सर, इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए अब हम डेट्स की बात करते हैं। जैसे कि आज का डेट हम टाइप करते हैं, हम शॉर्टकट होता है कंट्रोल सेमीकोलन, हमने कंट्रोल सेमीकोलन किया तो आज का डेट आया, और जो आता है ये हमारा डिफॉल्ट डेट आता है, बिल्कुल डिफॉल्ट डेट। लेकिन मुझे इसमें डिफॉल्ट डेट नहीं चाहिए, मुझे डिफॉल्ट फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो मेरे खुद का फॉर्मेट चाहिए। तो यहां हम नंबर पे आते हैं, कस्टम पे आते हैं, यहां डी फॉर डे, ठीक है, एम फॉर मंथ, वाई फॉर ईयर। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको दिखाएगा इसका इवेंट दिखाएगा, एक बार डी किया तो डी आया, अगर 2 बार करता हूं तो 08 आ रहा, मतलब कि डे को देता है लेकिन 012 के फॉर्मेट में। 3 बार करता हूं तो मंडे ट्यूजडे शॉर्ट में आ रहा है, 4 बार देता हूं तो कंप्लीट आता है, ऐसे ही मंथ का भी है, ऐसे ईयर का भी है। अब इसको आप अपने हिसाब से जिस फॉर्मेट में लिखना चाहे, जैसा उलट डैश कॉमा स्लैश आगे पीछे जो लिखना चाहते हो, जैसा लिखना चाहते हो, जैसा डेट बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। समझ गए सर? कोई दिक्कत इसमें? मंथ एज वेल, राइट, एम डबल एम ट्रिपल एम एंड डबल डी हो, देखिए डी हो गया डेट के लिए, एम हो गया मंथ के लिए, वाई हो गया ईयर के लिए। अगर आप एक बार डालते हैं तो 1 2 3 फॉर्मेट में आएगा, 2 बार डालते हैं 0 1 2 फॉर्मेट में आएगा, 3 बार डालते हो तो शॉर्ट आएगा, चाहे डे हो चाहे मंथ हो। आपने 2 3 बार एम डाला है तो जैन फाइव मार्च आएगा, अगर आपने 4 बार डाला तो जनवरी फरवरी आएगा। ऐसे डे में 3 बार डी आपने डाला तो संडे मंडे में ACN MON आएगा, अगर 4 बार डाल दिया तो मंडे ट्यूजडे पूरा फुल लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका इसका कोई स्टेप नहीं है कि पहले मंथ होना चाहिए पहले डेट होना चाहिए, आप अपने हिसाब से जितना आगे पीछे मंथ करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ गया सर? ऐसे हमारा टाइम का होता है कि मैं 10:20:45 डाला और यहां पे हमने HHMMSS, इसको भी डेट की तरह आगे पीछे कर सकते, लेकिन 3 बार 2 बार 3 बार डालने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एच बार एक बार डाले तो 1 2 3 आएगा, 2 बार डालेंगे 0 1 2 3 आएगा, 3 बार डालेंगे तो 0 0 1 2 3 आएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें आप यहाँ पे एम पी एम के लिए एम स्लैश पी एम कर दीजिए, आगे और पीछे कर सकते हैं। एक सेकंड लीजिए,
सो इट विल टेक ऑटोमेटिकली, 12 के आगे गया तो पीएम लेगा, राइट? जी हाँ, आगे डालेंगे तो आगे आएगा, पीछे डालेंगे तो पीछे आएगा। हमने जो डाला हुआ है वो 12 बजे के बाद डाला तो ऑटोमेटिकली पीएम फॉर्मेट लेगा। जी हाँ जी, इसमें एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए मैं 45 घंटे 20 मिनट किसी का टाइम डाला तो फॉर्मेट सेल में ये आपका इन्वर्टेड को बड़ी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, आ रहा है ना सर, आ रहा है बड़ी ब्रैकेट के बीच में आ रहा है सर। अगर सिंगल ब्रैकेट होगा ना तो 24 घंटा से ऊपर नहीं दिखाएगा, ये आपका 24 घंटा से ऊपर नहीं दिखाएगा। समझे? नहीं, 24 घंटे से ऊपर अगर ब्रैकेट हटा देंगे, राइट? हाँ देखिए ना, आपका आ गया तो 21 दिख रहा है ना, 21-20 दिख रहा है सर। इसको अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए तो आपको अभी 45 दिखेगा, ठीक है? ओके, इसको एक चीज और भी है, अगर मुझे मान लीजिए इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम एम लगा देते हैं तो पूरा मिनट में कन्वर्ट होता है, लेकिन रीजनल ओरिजिनल नहीं। अब कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो क्या कीजिए, टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला हमने इसको सिलेक्ट किया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको एम लिख दिया। आ गया सर? अगर मैं इसको H लिख देता हूं तो आवर आ जाएगा, और S लिख देता हूं तो सेकेंड आ जाएगा, ठीक है रिमान जी? लास्ट टाइम मैंने आपको कोई आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का, कोई आर्टिकल दिया था? चलिए मैं नहीं दिया था, भेज देता हूं। ये अगली क्लास जो हमारी है वो एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये आर्टिकल पढ़ ले, यहाँ देखिए इस पे क्लिक करके आप नीचे आ सकते हैं। तो जो हमने जितने भी कोड यूज किए हैं, देखिए जो भी यूज किए हैं सारा इसके अंदर मेंशन है, तो मैं चाहूंगा कि अगली क्लास से पहले इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, नहीं chatterjee.au ये ना, ये आप कहिए ना chatterjee.82। हाँ, इसमें नहीं, नहीं chatterjee.au। एक मिनट कल्याण जी, आपका क्या है? जनता _ कल्याण JGTAP। चैट कर देंगे प्लीज। सर प्लीज भेज दीजिए ना, गड़बड़ हो जाएगा। हेलो, क्या लिंक में व्हाट्सएप कर दूं आप लोगों को? मेल कर दीजिए एक बार मेरे को chatterjee.au। सर चैट पे भेज दीजिए ना, CHA गूगल ए जूम के चैट पे भेज दीजिए ना, जूम के चैट पे, व्हाट्सएप पे, जूम के चैट पे भी मैंने चैट भेजा है, देखिए ना, जूम के चैट पे भेज दीजिए। मैंने भेज दिया आपको? हाँ मुझे भेज आपको। और कल्याण जी रिक्वेस्ट है, प्लीज हेडफोन यूज कीजिए क्लास में, आवाज थोड़ी सी आपकी गड़बड़ आती है। चलिए, मैंने भेज दिया सर, इसको स्टडी कर लीजिए, कल हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर। ओके, इस लिंक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है?
और कल्याण जी आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड मैं थोड़ी देर में आपको भेज देता हूँ।